मेरे प्यारे छात्रों, टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा आरओएआरओ में मैं सामान्य हिंदी के टॉपिक पर आपसे चर्चा करूंगा। जिन अभ्यर्थियों को, जिन शुभेच्छुओं को इसमें एडमिशन लेना हो, आरओएआरओ 2016 जो री एग्जाम हो रहा है इसमें एडमिशन लेना हो, तो एडमिशन खुला हुआ है, यानी एंट्री खुली हुई है। और आपको सिर्फ करना क्या है, अपने व्हाट्सएप से और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, यानी एंट्री आरओ लिख करके व्हाट्सएप नंबर 8736093317 पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद हमारी संस्था की टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके इस क्लास के बारे में विस्तृत जानकारी देगी। आइए, बिना कुछ भूमिका के मैं अपने विषय पर आता हूं और बात करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आज आपके सामने उस टॉपिक को लाना चाहता हूं कि जो संभवतः अभी अछूता है। मैंने पहले दिन ही आपसे यह बताया था कि आपको प्री कमेंस यानी आरओएआरओ में समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हम प्री और मेंस पर दोनों पर बात करेंगे, यानी हिंदी का जो प्री का सिलेबस है जो 6 टॉपिक है, और मेंस का जो सिलेबस है यानी जो सब्जेक्टिव टॉपिक है और जो ऑब्जेक्टिव टॉपिक है उस पर भी हम बात करेंगे। आज हम एक ऐसा टॉपिक उठा रहे हैं कि जो सब्जेक्टिव टॉपिक है यानी लिखित है, और वह केवल परीक्षा के दृष्टि से नहीं बल्कि जीवन के दृष्टि में भी, जीवन में भी वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं उस टॉपिक को आज लेता हूं और उसका नाम है पत्र लेखन। पत्र लेखन, आज हम बात करते हैं पत्र लेखन पर बात करते हैं। पत्र लेखन में पहली चीज, हम कोई भी बात लिखते हैं और इस लिखने के क्रम में हम तो क्लास में भी लिखते हैं, यानी तमाम भिन्न स्थानों पर भी लिखते हैं, अपने स्वयं से कुछ न कुछ लिखते हैं। ये लिखने की कला का विकास कैसे होगा? लिखने की कला का विकास तब होगा जब हम अभ्यास करेंगे, यानी अभ्यास से ही लिखने की कला का विकास होगा। तो हम जो लिखने की बात करेंगे वह यहां पर जो लिखने की बात करेंगे वह पत्र के बारे में बात करेंगे, यानी हम जो यहां पे पत्र लेखन की बात करेंगे। लिखेंगे तो, लेकिन लिखेंगे क्या? पत्र लिखेंगे। अब पत्र कैसा लिखा जाएगा इसके बारे में हम समझते हैं। आप या मेंस का ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में थोड़ा सा आपको कठिनाई होती है, लेकिन आज मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको यह कठिनाई जीवन में भी कभी ना आवे। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? मेरे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, यानी मेरे साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिन अभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या विष के समान होती है। इसलिए थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, बाकी सारा काम मेरे ऊपर छोड़िए कि किस प्रकार से लिखना है, इसको आप एक कला का विकास कर लीजिए। यहां पर पत्र लेखन की जब हम बात कर रहे हैं तो इस पत्र लेखन में तो पहली चीज ये जानिए कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। मूल रूप से हम अन्य विभाजन कई प्रकार से न करके मुख्य विभाजन पर हम बात करते हैं, और यह पत्र लेखन आपको दो प्रकार के मिलते हैं। यानी अगर हम पत्र लेखन की बात करते हैं तो पहला जो पत्र मिलता है वह पत्र मिलता है औपचारिक पत्र, यानी पत्र में भी औपचारिक पत्र होता है
यह पहला प्रकार है पत्र का। इसके बाद जो एक पत्र लेखन है यानी दूसरा जो पत्र लेखन होता है वह होता है अनौपचारिक पत्र। आप पूरे जीवन में देखेंगे आपको दो प्रकार के पत्रों से सामना करना पड़ेगा। आपका सौभाग्य मेरा सौभाग्य रहेगा कि इस औपचारिक पत्र पर काम करेंगे और ईश्वर चाहेंगे भी कि आपको जो है इस औपचारिक पत्र लिखने के लिए वह मौका दें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी, मेरा ढेर सारा प्यार आपके साथ रहेगा और ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आप समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी बन करके औपचारिक पत्रों को लिखने का कार्य संपादित करें। यहां पर जीवन के हर एक क्षेत्र में अनौपचारिक पत्रों का सामना हमारा होता है और मैं लिखता भी हूं, आप भी लिखते हैं, हर एक पत्र अनौपचारिक पत्र में लिखते हैं। तो पहली चीज अगर हम देखें तो औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र होते क्या हैं, हम इसको समझ लें। बेसिकली जब इसको समझेंगे तो हमारा कुछ फंडा क्लियर होगा कि यह कैसे लिखा जाता है। यह शब्द है औपचारिक पत्र है और यह शब्द है अनौपचारिक पत्र है। औपचारिक जैसे कहते हैं कि यह औपचारिकता है, औपचारिकता है, तो यहां पर जो औपचारिकता की बात हो रही है वह किस संदर्भ में हो रही है। जैसे मान लीजिए कि आपके यहां कोई आता है, कोई रिश्तेदार आता है, बगल से ही वह आया, एक आध किलोमीटर से ही वह आया दरवाजे पर आपके, तो आपने किया क्या, उसके लिए पानी लाया, कुछ मीठा लाया, चाय बनवाया, ये सब आप काम करते हैं। वो ये कहता है कि नहीं नहीं मुझे प्यास नहीं है, मुझे चाय नहीं पीनी है, मुझे एकदम प्यास नहीं है, चाय भी नहीं पीने की इच्छा नहीं है। लेकिन आप कहते क्या है, आप कहते हैं अरे नहीं नहीं ये तो औपचारिकता है तो करनी ही पड़ेगी। तो औपचारिकता है करनी ही पड़ेगी, इसका मतलब क्या है कि यह सिस्टम है, एक बधा बधाया प्रारूप है और इस प्रारूप पर हम बात करेंगे। तो जब इस प्रारूप पर हम बात करेंगे तो कैसा, यानी हम अगर कोई आता है तो उस आने के क्रम में मेरा दायित्व जो बनता है वह दायित्व बनता है कि मैं उसको पानी पिलाऊं, मैं उसको चाय पिलाऊं, अगर वो रुकता है तो मैं उसको भोजन कराऊं, उसके लिए भोजन बनवाऊं, वो कहता है मुझे खाना नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है या जो भी कहता है, लेकिन आप कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिना खाए हुए आपको उसमें सोने दो, यह औपचारिकता है। यह औपचारिकता किसके साथ निर्वहन हो रहा है, यह औपचारिकता जो निर्वहन हो रहा है वह आए हुए किसी मेहमान या किसी गैर व्यक्ति के साथ हो रहा है जिससे हम अपरिचित भी हैं और परिचित भी हैं। अपरिचित इस संदर्भ में है कि वो कभी कभी आ रहा है, परिचित इस संदर्भ में है कि वो मेरा कहीं ना कहीं जानने वाला भी है तभी भी परिचित भी है, तो दोनों संदर्भ में हो सकता है यह। तो यहां पर औपचारिक पत्र पर जब हम बात करें तो पहली चीज उभर कर यह सामने आई कि यह औपचारिक पत्र जो होता है इसका एक प्रारूप होता है, यानी इसका एक सेट प्रारूप होगा, उस प्रारूप के अंतर्गत ही हम इसको लिखेंगे, यानी हम बियॉन्ड प्रारूप इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो प्रारूप के अंतर्गत यानी एक आपको खाका बनाए रहेगा, उस खाका के अंतर्गत, उसके अंतर्गत ही हम पत्र का लेखन करते हैं। वहां फिक्स रहता है कि कहां पर आपको क्या लिखना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है और कौन करेगा, यह भी फिक्स रहता है। हम ये कैसे जानेंगे कि यह कौन सा पत्र होगा, हमको इसी को देखना होता है। तो पहली चीज औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिसका एक प्रारूप निश्चित होता है और उस प्रारूप के अंतर्गत जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो वह औपचारिक पत्र कहलाता है। अब कौन कौन से पत्र औपचारिक पत्र में आते हैं, मैं क्यों कहा कि ईश्वर करें, भगवान करें, अल्लाह करें, खुदा करें कि आप जो है औपचारिक पत्र, आपको औपचारिक पत्र लिखने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये मेरी शुभकामनाएं भी रहेंगी। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि औपचारिक पत्र का जो लेखन होता है वह सरकारी अधिकारी अथवा सरकारी कर्मचारी ही करता है, कोई आम जनमानस
शासकीय पत्रों का उल्लेख, औपचारिक पत्रों का उल्लेख नहीं करता है। आम जनमानस जो है औपचारिक पत्र का उल्लेख नहीं करेगा, अनौपचारिक पत्रों का उल्लेख करता है। तो औपचारिक पत्र में हम करते क्या है, औपचारिक पत्रों में जो शामिल करते हैं, किसको किसको शामिल करते हैं, उसको जो आपका पत्र लेखन है, जो आपको मैंने, आपको याद होगा फर्स्ट दिन मैं जब आपको सिलेबस पर बात किया था तो उसमें मैं औपचारिक पत्र के बारे में नहीं बताया था, लेकिन इतना जरूर बताया था कि इन इन पत्रों पर आपसे पूछा जाएगा। यानी वहां पर आपको जो है जो पूछा जाएगा वह शासकीय पत्र के बारे में पूछा जाएगा। शासकीय पत्र, मैं इस पर आपको सिलेबस आप पुनः देख लीजिएगा, नहीं तो यहां से सिलेबस आपको पीडीएफ करा दिया जाएगा, यानी पीडीएफ से आप निकाल लीजिएगा सिलेबस को, देखेगा उसमें शासकीय पत्र है, अर्ध शासकीय पत्र है, परिपत्र है, अनुस्मारक है, विज्ञप्ति है, टिप्पण है, यानी तमाम ये जो है आपके पत्र शामिल किए गए हैं जो आपसे पूछा जाएगा और आपको वहां पर लिखना होता है। तो यानी इन पत्रों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम उन पत्रों पर बात करेंगे यानी कि जो आपके लिए औपचारिक भी हो और आपसे पूछा जाने वाला हो। अनौपचारिक पर हम बात नहीं करेंगे। अनौपचारिक पत्र एक सामान्य पत्र होता है, कोई भी किसी को भी लिख सकता है, यानी वह अनौपचारिक पत्र होता है, उसका कोई प्रारूप जो है वह निश्चित नहीं होता है। तो हम अब जो है औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम शासकीय पत्र पर बात करते हैं। तो यहां पर यह देखते हैं कि यह शासकीय पत्र है तो लिखा कैसे जाता है, हम कैसे यह जानते हैं कि यह शासकीय पत्र है, कैसे यह जानते हैं कि यह अर्धशासकीय है, कैसे यह जानेंगे कि अनुस्मारक है, कैसे यह जानेंगे कि यह परिपत्र है, कैसे यह जानेंगे कि यह टिप्पण है, कैसे यह जानेंगे कि यह प्रतिवेदन है, कैसे यह जानेंगे कि यह कार्यालय आदेश है, यानी किन अगर कैसे लिखा जाए तो हमको पता चलेगा कि यह कौन सा पत्र होगा, हम उस पर बात करेंगे। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूं पत्र लेखन की, और ये पत्र लेखन के बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैं देने का प्रयास करूंगा कि आपको समझ आ जाए और स्वयं से भी पत्र लिखने का प्रयास करें। तो इस शासकीय पत्रों में पहली चीज पूछा क्या जाता है, कैसे प्रश्न बनते हैं, हम इस पर भी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न जो बनने का इसका नेचर है, ये किसी भी तरीके से प्रश्न बना सकते हैं। हम कुछ प्रश्नों पर बात करते हैं यानी कि कैसे ये प्रश्न जो है बनेंगे, हम उसको देखते हैं। यहां पर ये देखिए, मैंने यहां पर पहले से ही लिख दिया है, चूंकि आपका समय बच जाए, इसमें ज्यादा समय ना लगे, शासकीय पत्र पर आधारित कुछ प्रश्न जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वह ये पूछे जाएंगे कि यहां पर शासकीय पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि शासकीय पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, यानी शासकीय पत्र क्या होता है या किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पूछा जा सकता है सरकारी पत्र लेखन की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए एक उदाहरण दीजिए, यानी शासकीय पत्र लेखन की विशेषता, यानी शासकीय पत्र की विशेषता, हमको विशेषता को आपको बताना होता है। यानी वहां पर अगर ये पूछा जाएगा सरकारी पत्र लेखन की विशेषता, तो यहां पर देखिए दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हुआ कि सरकारी पत्र लेखन की विशेषता हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ कि उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, यानी कोई भी आप अपने स्वयं की इच्छा से कोई भी विषय लेकर के आप शासकीय पत्र या सरकारी पत्र लिख सकते हैं। तो यहां पर दो पॉइंट, ऊपर वाले प्रश्न में भी दो पॉइंट है, शासकीय पत्र किसे कहते हैं, आपको बताना होता है कि शासकीय पत्र किसे कहते हैं, और दूसरा जो पॉइंट है
यानी वह उदाहरण दीजिए, यानी वहां पर भी दो पॉइंट का उल्लेख करना है। प्रायः जो है आपको पत्र में दो पॉइंट उल्लेख करना रहेगा, इन दो बिंदुओं पर आपका ध्यान केंद्रित होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वह डायरेक्ट पूछ लेते हैं, केवल उदाहरण दीजिए, सरकारी पत्र का उदाहरण दीजिए, या अर्ध सरकारी पत्र का उदाहरण दीजिए, या परिपत्र का उदाहरण दीजिए, यानी ऐसा भी पूछ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह कोई विषय दे देते हैं और विषय देकर के भी आपको प्रश्न पूछते हैं। तो जब वो विषय देते हैं तो उस विषय के अंतर्गत रह करके हमको अपना प्रारूप बनाना है, हमको उदाहरण लिखना है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, लिखा गया है सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्रों में अंतर बताते हुए सरकारी पत्र का प्रारूप लिखिए। यहां भी देखिए, पहली चीज सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्रों में अंतर क्या होता है, आप कैसे ये जानेंगे कि यह सरकारी पत्र है, कैसे ये जानेंगे कि यह अर्ध सरकारी पत्र है। तो सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर आपको स्पष्ट करना है। यह अंतर कोई जरूरी नहीं है कि कितना अंतर हम लिखें, आप चार भी लिख सकते हैं, पांच भी लिख सकते हैं, सात भी लिख सकते हैं, दस भी लिख सकते हैं, बारह भी लिख सकते हैं, यानी जितने अंतर चाहें आप उस अंतर को लिख सकते हैं, जितना याद होगा या जितना आप समझेंगे उतना। मैं प्रयास करूंगा कि आपको याद ना करना पड़े, आपको अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे यह सरकारी पत्र है और कैसे अर्ध सरकारी पत्र है, उन्हीं का आपको लेखन कर देना है। तो सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्रों में अंतर बताते हुए सरकारी पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, यानी इसका भी प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रारूप दो रूपों में होता है, एक होता है डॉटेड प्रारूप होता है, यानी कि जिसमें कुछ लिखना नहीं रहता है, केवल प्रारूप लिखा जाता है बिंदु बिंदु करके, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और एक होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रारूप वो कहते हैं लेकिन आपको उदाहरण लिखना होता है, उनके कहने से ही नहीं होता है कि आप प्रारूप पूछें। बहुत थोड़ा सा इस भ्रांति को मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कहता है प्रारूप और वो केवल प्रारूप बना करके चले जाते हैं। तो जब भी आप ये देखिए, अगर किसी विषय के अंतर्गत वो प्रारूप बनाने के लिए कह रहे हैं तो ये समझिए उदाहरण लिखना है, न कि केवल प्रारूप लिखना है। आप जो है हमेशा, अगर मान लीजिए कहीं किसी के प्रमोशन के संदर्भ में, किसी के निलंबन के संदर्भ में आपको प्रारूप बनाना है, तो आप निलंबन के संदर्भ में कैसे प्रारूप बना सकते हैं? तो निलंबन के संदर्भ में आपको निश्चित तौर पर आपको उदाहरण लिखना है। आपको अवकाश चाहिए तो उदाहरण लिखना है, भले ही वो प्रारूप कह रहे हैं। अब किसी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को अवकाश चाहिए, या किसी कर्मचारी अधिकारी का पदोन्नति हो रहा है, तो अब पदोन्नति हो रहा है तो हम प्रारूप कैसे बनाएंगे? पदोन्नति का प्रारूप तो बन नहीं सकता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह प्रारूप का अर्थ हुआ वहां आपको उदाहरण लिखना है। यानी यह क्लियर रहिए, जब किसी विषय के संदर्भ में कहा जाए प्रारूप लिखने के लिए, तो पहली चीज प्रारूप लिखिए और प्रारूप बनाइए मत, प्रारूप लिखिए। अगर बहुत इच्छा है तो प्रारूप बना भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लेकिन बेसिकली प्रारूप लिखना है तो लिखना है तो आपको उदाहरण ही लिखना है। इसके बाद है, अगला क्वेश्चन आता है, शासकीय पत्र के अंगों का उल्लेख कीजिए, यानी शासकीय जो पत्र हैं इसके अंग कौन कौन से हैं, इसका आपको उल्लेख करना है। तो आपको लगभग अभी तक जितनी भी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग के द्वारा हुई है, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, बेसिकली इन्हीं के आसपास ही पत्र घूमता रहता है, चाहे वो पत्र कोई भी हो, लगभग इसी से रिलेटेड प्रश्न। मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, मैं पहले प्रश्नों पर बात करूंगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं आपको उत्तर बताने का प्रयास करूंगा, ताकि वहां पर लेखन में आपको दिक्कत ना हो। या सीधा सीधा ये नहीं कर दूंगा कि आपको सरकारी पत्र है या शासकीय पत्र है, सीधा लिखवा दूं, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये आपको पता नहीं होगा। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा पहले इस पर हम बात करेंगे, इसके बाद उसको लिखा कैसे जाए इस पर हम बात करेंगे। तो यानी इन इन बिंदुओं पर, ये जो सारे बिंदु हैं, इसका मूल थीम देखिए,
शब्दों की अपनी महिमा है, शब्दों का माया जाल है। उस शब्दों के माया जाल में आपको मूल थीम देखनी है कि मुझे लिखना क्या है, मुझे करना क्या है। तो पहली चीज आपको मूल थीम समझनी है और मूल थीम समझ करके उसके बारे में आपको लिखना है। तो शब्द चाहे जिस रूप में पूछा जाए, आपको मूल थीम अगर जानते हैं, उसके बारे में नॉलेज है, तो आप जो भी पूछा जाएगा, जो भी वह कहेंगे, आप लिख ले जाएंगे। जब ज्ञान नहीं रहेगा तो आप जब केवल रटे रहेंगे तो संभवतः परेशानी होगी। इसलिए समझने का प्रयास करिएगा और समझ करके अपनी बातों को उत्तर लिखिएगा। अब हम इसी पर आज हम बात करेंगे। तो शासकीय पत्र पर प्रश्न मैंने चर्चा कर दिया, अब शासकीय पत्र के बाद हम इसके उदाहरण पर बात करते हैं कि लिखा कैसे जाए या शासकीय पत्र किसे कहते हैं। मूल थीम में हम देखते हैं कि शासकीय पत्र किसे कहते हैं। आइए हम शासकीय पत्रों पर बात करते हैं। शासकीय पत्र लेखन पर हम बात करते हैं और शासकीय पत्र लिखा कैसे जाता है इस पर देखा जाता है। पहली चीज हमको लेखन में करना क्या है, आपको जो आपका कॉपी है या जो लोक सेवा आयोग द्वारा आपको कॉपी मिलेगी, वो मिलेगी कैसे आप ये जान लीजिए। कि अगर मान लीजिए ये कॉपी है तो इसमें जो है एक तरफ इधर लाइनिंग रहेगी, एक तरफ इधर लाइनिंग रहेगी, ऐसी कॉपी मिलेगी। इधर भी कुछ छूटा रहेगा और इधर भी कुछ छूटा रहेगा। तो आपको न इधर कुछ लिखना है ना इधर कुछ लिखना है, आपको अपनी बात बीच में लिखनी है। यानी दोनों तरफ आप लाइनिंग आपको मिलेगी और इस लाइनिंग के बीच में जैसे A4 साइज का आपका पेपर होता है, उस A4 साइज के पेपर में लगभग ये मानकर चलिए 1 फिट इधर छोड़ा जाता है। यानी 1 फिट चौड़ाई जो होती है, 1 फिट चौड़ाई का मतलब जितना वो चौड़ा होता है वह चौड़ा इधर छोड़ा जाता है और इधर भी चौड़ाई 1/2 इंच इधर होता है चौड़ा, 1/2 इंच इधर चौड़ा छोड़ दिया जाता है। बाकी आपको बीच में ही लिखना होता है, आप न इधर लिखेंगे न उधर लिखेंगे। अब बीच में लिखना है तो हमको कहां पर लिखना है, तो पहली चीज हमको देखें हम प्रारंभ पत्रों का कैसे करते हैं। यानी पत्र का जो प्रारंभ होगा अपने दाई तरफ, यानी दाहिने तरफ, दाहिने तरफ आपको लिखना है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर क्या लिखना है, शासकीय पत्र संख्या, आपको लिखना है शासकीय पत्र संख्या। ये सा लिखकर सुनना, प लिख के सुनना और शंग लिख करके सुनना, यानी शासकीय पत्र संख्या आपको सबसे पहले लिखना है। उसके नीचे जो है, अब शासकीय पत्र संख्या आप जो लिखिए, ये अपने ऊपर है कि हम कितना लिखते हैं। चूंकि अभी आप नियुक्ति नहीं पाए हैं, आप जब नियुक्ति पा जाएंगे तो यह पत्र का रिकॉर्ड रहता है, उसी रिकॉर्ड के अनुसार उसी पत्र संख्या को डालना पड़ता है। तो यहां पर मुझे लिखने के लिए केवल कहा गया है, इसलिए आप जो संख्या चाहिए वह संख्या आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं जैसे कोई भी, आप अपने अपने अनुरूप ले लीजिएगा। मान लीजिए मैंने लिखा 1236 बटे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बटे अ लिख सकते हैं, ब लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, बटे 2020 ये सन चल रहा है 2020, यानी ये लिख दिए। तो सबसे ऊपर दाहिनी तरफ क्या लिखेंगे, शासकीय पत्र संख्या कितनी है 1236 बटे 2020। यह संख्या मैं आपको बार बार बताऊंगा, हर पत्रों में डलवाऊंगा भिन्न भिन्न संख्याएं, आप भी कुछ डाल सकते हैं। आइए आपके ऊपर डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या लिखते हैं। शासकीय पत्र संख्या 1236 बटे 2020, ये आपका शासकीय पत्र संख्या हो गया। इसके बाद आप किसी विभाग का नाम लिख सकते हैं,
किसी मंत्रालय का नाम लिख सकते हैं, जहां से पत्र भेजा जाए वहां उसी को आपको मेंशन करना है, उसी को आपको लिखना है। तो इसके नीचे आप मान लीजिए मैं लिखता हूं या पत्र लिखा जाता है गृह मंत्रालय भारत सरकार से लिखा जाता है, तो इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, गृह मंत्रालय, यानी यहां पर आप लिखेंगे गृह मंत्रालय इसके बाद आप कामा लगाएंगे, पुनः लिखेंगे भारत सरकार, भारत सरकार आपने लिखा, यानी शासकीय पत्र संख्या जितना आपको नंबर डालना है वो नंबर, इसके नीचे गृह मंत्रालय भारत सरकार, ये कुछ भी रक्षा मंत्रालय या पुलिस विभाग या जिलाधिकारी कार्यालय कुछ भी आप लिख सकते हैं आपकी इच्छा। ये मैं केवल एक आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं कि आप कहीं से भी ये पत्र शासकीय पत्र भेजा जा सकता है। तो यानी यहां से पत्र ये भेजा गया गृह मंत्रालय भारत सरकार, कहां, नई दिल्ली, तो आप लिखेंगे नई दिल्ली, फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी ये आपका दाहिने तरफ सबसे ऊपर होगा। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाएं साइड में यानी इधर शासकीय पत्र संख्या जहां लिखा है वहां नहीं, जहां गृह मंत्रालय लिखा है इसके सीध में या जहां नई दिल्ली लिखा है इसके सीध में, यह कहीं भी ऐसा ये मानक नहीं है कि केवल गृह मंत्रालय के सामने होना चाहिए या नई दिल्ली के ही सामने, आप दोनों के साथ लिख सकते हैं, दोनों के बीच में लिख सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं, यानी आप इधर जो है आप लिखेंगे क्या, प्रेषक लिखेंगे, आपने लिखा प्रेषक, यहां पर लिखा जाता है प्रेषक के बाद आप क्या लगाएंगे, कामा लगाएंगे, यानी गृह मंत्रालय या नई दिल्ली के ठीक बाएं आपको क्या लिखना है, प्रेषक लिखना है। अब प्रेषक कौन है, तो यहां पर देखिए जब लोक सेवा आयोग में लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, तो कभी अपने नाम का मेंशन नहीं किया जाता है, लोक सेवा आयोग ने बैन किया है कि अपने नाम का मेंशन नहीं करेंगे या किसी के नाम का मेंशन नहीं करेंगे, किसी के नाम को नहीं लिखेंगे। वास्तविकता यह होती है कि जब आप पद प्राप्त कर लेंगे, आप सचिवालय में जाएंगे या लोक सेवा आयोग में आप जाएंगे, तो आप जो भी जिसका भी पत्र रहेगा वो अपने नाम का मेंशन करेगा, लेकिन यहां पर केवल या तो एक्स वाई जेड लिख दिया जाता है, या तो अ व श लिख दिया जाता है, या तो क ख ग ग लिख दिया जाता है, यानी जो आपको लिखना हो यह लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने लिखा क ख ग, क ख ग, ये मान लीजिए किसी का नाम है, किसी का मान लीजिए रमेश नाम है, सुरेश नाम है, उपेंद्र नाम है, गौरव नाम है, निरंजन नाम है, जो आप नाम मान लीजिए, किसको मान लीजिए, प्रेषक कौन है, प्रेषक मतलब भेजने वाला, भेजने वाला कौन है, तो अब गृह मंत्रालय से भेजा जा रहा है, मान लीजिए कि गृह मंत्रालय का सचिव भेज रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सचिव लिखेंगे, सचिव के बाद आप कामा लगाएंगे। अब ये गृह मंत्रालय का सचिव है तो इसका लिखेंगे सचिव कहां का है, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, भारत सरकार, कहां पर, नई दिल्ली, नई दिल्ली, फुल स्टॉप कर दीजिए। संभवतः इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि पहले शासकीय पत्र संख्या, फिर उसके नीचे मंत्रालय का नाम या विभाग का नाम जैसा भी होगा, मान लीजिए गृह मंत्रालय भारत सरकार, फिर नई दिल्ली, गृह मंत्रालय भारत सरकार कहां है, नई दिल्ली में, इसके बाद प्रेषक जो भेजेगा, भेजता कौन है, कोई नाम यहां हो गया, ये क्या है, सचिव है, और सचिव कहां, गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से ये पत्र भेजा जा रहा है, प्रेषक हो गया। अब ये जब प्रेषक हो गया तो इसी के नीचे भेजने वाला, यानी जिसको हम
भेज रहे हैं, तो भेज रहे हैं जिसको, उसको हम क्या लिखते हैं, आप पत्र लिखते हैं। तो पत्र में जब आप लिखते हैं तो आप अपने लिए क्या लिखते हैं, प्रेषक लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, यानी भेजने वाला जो है। और ऊपर क्या लिखते हैं, सेवा में लिखते हैं आप, जो लिफाफा होगा या जो पहले अंतर्देशी चलती थी तो ऐसे लिखते थे कि सेवा में। तो अब यहां पर क्या लिखा जाएगा, जो प्रेषक है इसके नीचे लिखा जाएगा सेवा में, सेवा में, सेवा में, यानी यहां पर हम क्या लिख दिए, सेवा में लिख दिए आप। अब सेवा में के बाद आप अल्प विराम लगाएंगे, यानी कामा लगाएंगे। अब ये किसको भेज रहे हैं, यानी ये जो प्रेषक हैं ये किसको भेज रहे हैं, पत्र किसको भेजा जा रहा है, इसके बारे में ये बात हो रही है। तो सेवा में मान लीजिए ये भेज रहे हैं मुख्य सचिव को भेज रहे हैं, इस कामा के नीचे आपने लिखा मुख्य सचिव, मुख्य सचिव। तो ये मुख्य सचिव कहां के हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के हैं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ये उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, फुल स्टॉप लगा दीजिए। यहां तक बातें आपको क्लियर हो रही हैं। यहां पर ये देखिए कि पहले प्रेषक लिखा जाएगा, प्रेषक में जो भी भेज रहा है उसका नाम होगा, नाम के बाद सचिव होगा, इसके बाद गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, फिर सेवा में, इसके बाद मुख्य सेवा में किसको भेजा रहा है, यानी गृह मंत्रालय का जो सचिव है वो किसको भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव को, उत्तर प्रदेश सरकार, यानी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को यह भेजा जा रहा है। अब इतनी तो बातें ये हो गई। अब इसके बाद हम करते क्या हैं, अब यहां पर थोड़ा सा मैं पेज चेंज करूंगा, चूंकि स्थान कम है इसलिए हो नहीं पाएगा। आपको पीडीएफ जो भेजी जाएगी उसमें रहेगा, एकदम क्लियर रहेगा। तो पेज चेंज करता हूं, पुनः प्रयास करूंगा कि यह एक में आ जाए, देखा जाएगा, नहीं आएगा तभी भी आपको समझ में आएगा। अब ये जो लखनऊ है इसके दाहिने साइड में, यानी जो लखनऊ है लखनऊ के दाहिने साइड में थोड़ा सा नीचे, जैसे लखनऊ जहां लिखा है, तो मान लीजिए कि अगर हम बनाते हैं ऐसे बना करके इधर चलते हैं, तो इधर जो है थोड़ा सा नीचे, लखनऊ के थोड़ा सा नीचे हमको क्या लिखना है, स्थान लिखना है और दिनांक लिखना है। तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, आगे हम अतिरिक्त विषय पर बात करेंगे। यानी यहां पर जो है हमने क्या लिखा, लखनऊ के थोड़ा नीचे लिखा, भेजा कहां जा रहा है, नई दिल्ली से भेजा जा रहा है, नई दिल्ली से भेजा जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, नई दिल्ली, नई नई दिल्ली, नई दिल्ली के बाद क्या करेंगे, हम कॉलन लगाएंगे। आज जो भी डेट आप लिखना चाहिए उस डेट को लिख लीजिए, मान लीजिए 25 फरवरी, 25, देखिए 25-2 नहीं लिखेंगे, 25-3 या 3-4 ऐसे करके संख्या में नहीं, क्या करेंगे, महीने का आप क्या करेंगे, नाम मेंशन करेंगे। तो 25 फरवरी, 25 फरवरी, इसके बाद क्या करेंगे, आप कामा लगाएंगे 25 फरवरी के बाद, और पुनः क्या सन लिख देंगे, मान लीजिए लिख दिया गया 2020, 25 फरवरी 2020 डेट लिख दिया गया। तो जहां से भेजा जाएगा वहीं का स्थान, आप जहां से पत्र भेजेंगे वहीं का स्थान आप नोट करेंगे और यहां दिनांक का आप मेंशन कर देंगे, यानी यहां पर दिनांक आपने लिख दिया। तो एक फेज आपका यह खत्म हुआ कि पहले शासकीय पत्र संख्या, फिर विभाग का नाम या मंत्रालय का नाम, फिर प्रेषक होगा, प्रेषक के बाद
फिर सेवा में होगा यानी जिसको भेजा जाएगा, इसके बाद उसी के दाहिने साइड में यानी जिधर आप शासकीय पत्र संख्या लिखे हैं यानी जो लास्ट होगा उसी के दाहिने साइड थोड़ा सा नीचे स्थान लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे यानी नई दिल्ली 25 फरवरी 2020 ऐसा मैंने मेंशन कर दिया, ये एक लिखा जाता है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको विषय का मेंशन करना है यानी जो विषय लिखना है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा विषय जो है ये जो मैं लिखा हूं इस सीध में, इसी सीध में लिखाएगा यानी बीच में, इसी ये प्रेषक वाले लाइन में नहीं लिखाएगा बल्कि किस में लिखाएगा, ये जो मैं क ख ग या मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार इसी सीध में क्या लिखाएगा यहां पर यानी नई दिल्ली के नीचे, इन दोनों लखनऊ और नई दिल्ली के नीचे आप क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे। हम पेज चेंज कर रहे हैं, हम क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे। मान लीजिए यहां पर हमने लिखा विषय, लिखा विषय लिखा। अब विषय जो है आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने विषय लिया, विषय जो भी आप लेंगे, मान लीजिए वर्तमान समय में अगर वो विषय दे देते हैं तो कोई बात नहीं है, उस विषय के अंतर्गत रह करके हमको पत्र लिखना है। अगर विषय नहीं देते हैं तो हमको अपने मन से जो विषय चाहिए वो विषय आप चूज कर लीजिए और उस विषय पर आप पत्र लिख दीजिए। मान लीजिए कि विषय आपने ले लिया है कुंभ मेले में या कुंभ मेले की स्वच्छता को बनाए रखने के संदर्भ में, मान लीजिए यहां कुंभ मेला होता है तो यहां पर आपने विषय लिया कुंभ मेले में स्वच्छता बनाए रखने के संदर्भ में, ऐसा आपने विषय ले लिया। तो विषय आपने लिया क्या, कुंभ मेले में स्वच्छता बनाए रखने के संदर्भ में, आप ये आपका विषय हो गया। अब विषय के बाद आप अपने मूल पॉइंट पर आएंगे यानी आप यहां से जो लिखेंगे वह ये लिखेंगे, यहां पर जो विषय है यानी जो आपने सेवा में लिखा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहां पर, यानी ये जो प्रेषक लिखे सेवा में लिखे इसके सीध में आपको क्या लिखना है, महोदय लिखना है, यानी इसी के सीध में आपको क्या लिखना है, महोदय लिखना है। तो आप यहां लिखेंगे महोदय, महोदय, महोदय के बाद आप क्या करेंगे, कामा करेंगे। अब शासकीय पत्र लिख रहे हैं तो शासकीय पत्र की विशेषता एक होती है, यह आपको पेट शब्द है कि शासकीय पत्र, देखिए जो वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम में पत्र से क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, जैसे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अगर कोई लिया जाता है या आप दरोगा में भी कभी कभी पत्र से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो इन्हीं पत्रों से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। अगर ये पत्र सब्जेक्टिव रूप में तैयार है या जानते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी आप कर ले जाएंगे। तो पत्र तो सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, आपके लिए तो पत्र का कार्य ही कार्य है, यानी आर ओ या रो समीक्षा अधिकारी के लिए तो बिना पत्र का कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अन्य लोगों के जीवन में भी पत्र का एक महत्वपूर्ण अंश है, एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहां पर हम महोदय लिखेंगे। अब इस पत्र की, शासकीय पत्र की एक पेट भाषा होती है, एक सेट भाषा होती है, वह सेट भाषा जो होती है क्या होती है, महोदय के बाद कामा लगाएंगे और इसके नीचे लिखेंगे मुझे, मुझे यह
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह इसकी पेट शब्द है। पेट शब्द क्या है? मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, यानी काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 शब्द शासकीय पत्र का यह पेट शब्द है। आपको लिखना ही लिखना है, अब चाहे यह शुरू में लिखें चाहे बीच में लिखें, कहीं भी यह आएगा। यानी शासकीय पत्रों में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, अगर आप कभी कभी ऐसा भी लिख दिया जाता है, मुझे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है, ऐसा लिखा जा सकता है। कभी कभी नीचे के अगर अधिकारी या कर्मचारी ऊपर के अधिकारी कर्मचारी को लिखते हैं तो निवेदन करने का निर्देश हुआ, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर लेकिन यह सेट शब्द है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, यानी यह आपको लिखना है। अब इसके बाद से आपको अपनी बात लिखनी है। यानी तो विषय क्या है? कुंभ मेले में स्वच्छता बनाए रखने के संदर्भ में बात है। तो अब इस बात को आपको आगे और विस्तारित करते हुए चलना है। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, यानी यह जो है सेट शब्द हुए। इसके बाद जो है आप विषय पर अपने आइए, और विषय में कुंभ मेले में स्वच्छता बनाए रखने के संदर्भ में है। तो जो बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष होने वाले कुंभ मेले में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी स्थान पर गंदगी का सामना न करना पड़े। अब इसके बाद से आपको करना क्या है? दो नंबर डाल देना है। आपकी इच्छा डाल भी सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं भी डाल सकते हैं, दोनों चीजें हैं। अगर आप यही समाप्त करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लास्ट में बहुत ही लिख दीजिए। नहीं तो दूसरा नंबर डालना चाहते हैं, यानी पत्र कितना हो लंबा करेंगे, पहला नंबर नहीं डाला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या डाला जाता है? दूसरा नंबर डाला जाता है, यानी पहला नंबर मेंशन अपने आप है। अब इसके बाद जो भी नंबर डालेंगे दूसरा, तो ये दूसरा नंबर पड़ेगा कहां? जहां से मुझे यह कहने का, यानी मुझे के सीध में। ठीक है, तो मुझे यह कहने के सीध में, यानी दो नंबर पड़ेगा। एक नंबर नहीं मेंशन होता है, दो नंबर। अब लिखते हैं, भारत सरकार का यह विचार है कि स्वच्छता, अब स्वच्छता के बाद जब हम अगली लाइन लाएंगे, चूंकि यहां पर स्पेस नहीं था, अगली लाइन लाएंगे तो इसके नीचे लाएंगे, इस वाले के नीचे हम लाएंगे, यानी ना कि इसी के नीचे हम नहीं लिखेंगे। ये पैराग्राफ एक प्रकार से समझिए, जैसे आप पैराग्राफ बनाते हैं तो पैराग्राफ में पैराग्राफ लिखते हैं, उसके बाद अगला पैराग्राफ, यानी नेक्स्ट पैराग्राफ जो लिखते हैं, उसके बाद फिर उसकी लाइनिंग पहले चली जाती है। तो ऐसे ही ये दो नंबर, भारत सरकार का यह विचार है कि स्वच्छता, इसके आगे स्वच्छता की व्यवस्था अति उत्तम हो, बस ये आपकी लेटर हो गया, सरकारी पत्र कंप्लीट। इसके बाद आप क्या लिखते हैं? बहुदी लिखते हैं, जहां आप लोग प्रार्थी लिखते थे। एक पेज में दिखाना यहां संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपका जो पीडीएफ जाएगा वो उसमें एक पेज में ही रहेगा, और आपको एक पेज में ही लिखना होता है। अगर बहुत ज्यादा लेटर बड़ा है तो आप दो पेज में ले जा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन प्रयास ये कीजिएगा, आप जब भी एग्जाम देने जाइएगा मेंस का, तो आप एक पेज में लिखने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर नहीं आता है आपका ज्यादा ही, मान लीजिए आप बड़ा बड़ा लिखते हैं, तो आप दूसरे पेज में भी लेकर चले जा सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि एक पेज में आ जाए, छोटा ही लिखे पत्र लेकिन एक पेज में आ जाए। बहुदी है, बहुदी क ख ग, यानी जो आपने भेजा था, ये बहुदी कौन होगा? जो प्रेषक होगा उसी को आपको मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी जो प्रेषक होगा यहां पर देखिए, क ख ग, सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार, वही क्या हो जाएगा? बहुदी हो जाएगा। जैसे आप पत्र लिखते थे तो जहां प्रार्थी लिखते थे लास्ट में, वहीं पर आप क्या लिखें शासकीय पत्र में, क्या लिखेंगे? बहुदी लिखेंगे, यानी बहुदी, बहुदी के बाद आप क्या लिखेंगे? वखगाव, यानी सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार। ये आपका पत्र हो गया कंप्लीट।
अब इसके बाद से आप चाहिए तो संलग्न कर सकते हैं, यानी क्या क्या आप संलग्न कर रहे हैं तो आपका आपकी इच्छा है तो करेंगे, ना इच्छा है तो रहने दीजिए, आप ना भी लिखिए तभी भी ये आपका ये पत्र हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी ये रहा है आपका शासकीय पत्र। तो शासकीय पत्र लिखने के लिए कुछ भी करना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत परेशानी होगी लिखने में, बस थोड़ा सा काम करिएगा, क्या प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो पुनः एक बार हम तेजी से आपको शुरू से दिखा देते हैं, यानी यहां से मैंने जो लिखा है, पहले आपको शासकीय पत्र संख्या इतना लिखना है, गृह मंत्रालय का नाम लिखना है या विभाग का नाम लिखना है, पुनः प्रेषक लिखना है, प्रेषक जो भी वहां रहेगा सचिव है और इसी का लिखा जाएगा, सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, ये आपने लिख दिया। इसके बाद से आपने सेवा में लिखा, सेवा में जिसको भेज रहे हैं उसको आप लिखे, यहां आपने दिनांक लिखिया, दिनांक कहां लिखेंगे, जो ये है और जो विषय है इन दोनों के बीच में आप दाहिने तरफ दिनांक लिखेंगे, यानी दिनांक जहां से भेजा जा रहा है वहां पर, नई दिल्ली से हो गया। इसके बाद विषय लिखेंगे आप, तो विषय किसके साथ सीध में लिखेंगे, जहां पर आप लिखते रहे हैं, यानी सेवा में के बगल में या जो आप कह लीजिए यहां पर, इसके सीध में लिखेंगे, ये जो आप लिखे हैं मुख्य सचिव लिखे हैं या कखा, इसके सीध में आप क्या के लिए लिखेंगे, विषय लिखेंगे। और इसके बाद जो है विषय कुंभ मेल में स्वच्छता बनाए रखने के संदर्भ में, ये अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं, अगर वो विषय दिए हैं तो विषय के अंतर्गत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। महोदय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, ये सेट लाइन रहेगी, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अब उसी के संदर्भ में आपको स्वच्छता बनाए रखने के संदर्भ में आपको लिख देना है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष होने वाले कुंभ मेले स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी स्थान पर गंदगी का सामना न करना पड़े। अब दूसरा नंबर आप लिखेंगे, और दूसरे नंबर में आपने क्या लिखा, भारत सरकार का यह विचार है कि स्वच्छता इसके बाद की व्यवस्था अति उत्तम हो, ऐसा आपने लिखा और बहुत ही लिखा, क ख ग सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार लिखा, और इसके बाद संलग्न करना हो संलग्न करिए, नहीं करना हो तो रहने दीजिए, तभी भी आपका पत्र क्या हो गया, पूरा होगा। यानी पूरा का पूरा एक शासकीय पत्र का यह उदाहरण आपका हो गया। यानी आशा ये करते हैं कि आपको शासकीय पत्र समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही आप किन्हीं भी विषयों पर आप स्वयं से प्रयास करिएगा कि आप पत्र लिख दें। मैं जो पीडीएफ आपको उपलब्ध होगा उसमें आपको मैं टॉपिक भी दे दूंगा किन किन विषयों पर आपको लिखना है, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप स्वयं से उन उन विषयों को आप लिखने का प्रयास करिए। आप जो है सरकारी विभाग में जो भी समस्याएं हैं उन सरकारी विभाग की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आपको कोई पत्र लिखना है, यानी कोई सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी सरकारी विषय के संदर्भ में किसी सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी को जो पत्र लिखता है वही शासकीय पत्र कहलाता है। तो मूल थीम क्या है शासकीय पत्र का, मूल थीम यह है कि विषय भी क्या होगा सरकारी होगा, विषय भी सरकारी, पाने वाला भी क्या होगा सरकारी, अधिकारी हो सकता है कर्मचारी हो सकता है, भेजने वाला भी क्या होगा सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी होगा। तो औपचारिक पत्र में मैंने शासकीय पत्र के बारे में आपको चर्चा किया, और शासकीय पत्रों में यानी भेजने वाला भी सरकारी, पाने वाला भी सरकारी, और विषय भी क्या होते हैं सरकारी होते हैं, उसी की नीतियों के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार के कार्यों के बारे में ही वर्णन हम करते हैं, पत्र के माध्यम से वर्णन करते हैं, तो उसे ही हम सरकारी पत्र या जीओ लेटर या गवर्नमेंट लेटर भी उसको हम बोलते हैं। यानी इसमें जो है यह आपको लिखना होगा। तो आज मैं ये समझता हूं कि आपको शासकीय पत्र क्लियर हो गया होगा, और स्वयं से प्रयास करने का, स्वयं से आप प्रयास करें। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा शुभकामना, धन्यवाद।